नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल खत्म हो गई है। जी हां, सरकार से बातचीत के बाद हड़ताल खत्म हुई है। सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह भी हो गई है। नया कानून लागू नहीं करने पर सुलह हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में बैठक हुई थी। गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में सरकार की तरफ से आश्वासन मिला, नया कानून लागू करने पर असर पड़ा और अब यह फैसला लिया गया। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। देश के लिए बहुत खतरा पैदा करता है और ऑफिशियली हम परिवार का सदस्य हैं। ये कानून का विरोध करते थे, उनके साथ में खड़े थे। हम कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में विश्वास रखते हैं और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के माध्यम से इसका हल निकला है, जो आपको हमने बताया है कि ये कानून लागू नहीं है और ये कानून लागू नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट ने आपके पास देखिए, एक मिनट, नहीं अपनी है, नहीं है। मैं यार ये सरकार ने, भल्ला साहब ने अपनी बाइट एएनआई को दी हुई है, वो बाइट आप ले सकते हैं, जिन्होंने उन्होंने स्पष्ट किया है कि आज जो चिंताएं ड्राइवरों की थी वो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस हमारे पास लेके आई है। उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है और हम स्पष्ट करना चाहते हैं, ये सरकार की मैं बोल रहा हूं, जो सरकार ने अपनी स्टेटमेंट दी है, मीडिया में दी है और प्रेस रिलीज थोड़े ही समय में सब लैंग्वेज में आपके पास आ जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 106(2) 10 साल की सजा जुर्माना का कानून लागू नहीं है और इसे आगे हम चर्चा करेंगे और हमें आश्वासन दिया है और ये हम भी उनसे अशोर्ड करके आए हैं कि कानून आगे भी लागू नहीं होगा। तो ये कानून आगे भी लागू नहीं होगा। आप सुन रहे थे ट्रक एसोसिएशन की तरफ से, अभी हड़ताल को खत्म कर दिया गया है लेकिन किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ा ये जानने के लिए आइए आपको ले चलते हैं। मेरे सहयोगी नीलम फोलाइन पर जुड़ गई है। नीलम, ये कानून लागू किए जाने के बाद से ही, जब से इस बात की गूंज सुनाई दी कि ये कानून सरकार ला रही है, लागू होने वाला है, उसके बाद तो पूरे देश भर में ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया। अभी क्या फिलहाल, अब हड़ताल खत्म हो गई है तो उसके बाद स्थिति वापस से पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए हड़ताल जो है देर रात खत्म हो गई है, यानी कि आज सुबह से ही सभी बस ड्राइवर्स और जो ऑपरेटर्स हैं, बस ऑपरेटर सभी जो है अपने अपने काम पर लौट जाएंगे। हालांकि अभी सुबह का समय है जो है, अगर हम रास्तों की बात करें तो रास्ते फिलहाल सुनसान ही नजर आ रहे हैं, पर आम जनता के लिए राहत भरी खबर जरूर है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि आम जनता को परेशान होना पड़ रहा था, 2 दिन तक लंबी लंबी लाइनें जो है पेट्रोल पंप के बाहर थी, सब्जियों पर इसका असर देखने को मिल रहा था, स्कूल जो है कहीं ना कहीं ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे, कई स्कूल बंद भी हो गए थे। तो ऐसे में जो है आज ये एक बड़ी खबर आम जनता के लिए राहत की है कि जो हड़ताल चल रही थी वो अब खत्म हो गई है और आज से ही सभी ड्राइवर्स बस ऑपरेटर्स जो है अपने अपने काम पर लौट जाएंगे। साथ ही यात्री बसें जो है देर रात से ही चलना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि यात्री बसें भी पूरी तरह से बंद थी। ऐसे में जो यात्रियों को यहाँ से वहां जाना था वो अपना सफर नहीं कर पा रहे थे। कई यात्री ऐसे भी थे जो 2-2 दिन से जो है बस स्टैंड पर ही रुक करके इंतजार कर रहे थे। ठंड के मौसम में जो है खासी परेशानी उन्हें उठानी पड़ रही थी। तो अब जो है यात्री बसों का चलना शुरू हो गया है, तो जाहिर तौर पर जब आज से वापस बाकी के ड्राइवर भी अपने काम पे लग जाएंगे तो आम जनता को एक बड़ी जो है यहाँ पर राहत मिलेगी। नीलम, लेकिन इस कानून के जरिए से ट्रक एसोसिएशन, ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स की परेशानी क्या थी, क्या वो मांग कर रहे थे? जी देखिए, इस कानून में जो प्रावधान किए गए उसके तहत यदि हिट एंड रन का कोई मामला होता है और ऐसी स्थिति में जो ड्राइवर दोषी पाया जाता है, भाग जाता है, तो उस पर जो है अधिकतम 10 साल तक की सजा और 7 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया था।
कहीं न कहीं इस पूरे कानून की जो सजा है उसे लेकर मिस कम्युनिकेशन की स्थितियां बन गई थी, क्योंकि ये जो कानून है वो करीब एक महीने पहले ही संसद से पास हो चुका था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस पर जो है मोहर लग गई थी। तो ऐसे में खासतौर पर जो हाईवेज में गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर्स, उन्हें ये लग रहा था कि उनके हाथ से अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो इतनी बड़ी जो जुर्माने की राशि है वो कैसे भर पाएंगे, या अगर 10 साल तक उन्हें जेल होती है तो उनके परिवार का क्या होगा। तो ये कुछ जो है आर्थिक तौर पर जो ड्राइवर सक्षम नहीं है उनके उन्हें जो है ये सवाल सता रहा था, और इसी बात को लेकर की नाराजगी या यूं कहें कि गुस्सा था, और इसी वजह से जो है पूरी हड़ताल की गई थी। हालांकि बातचीत के बाद जो है ये कहा गया कि इस नए कानून में जो प्रावधान है वो फिलहाल लागू नहीं किए जाएंगे। सभी जो बस ऑपरेटर्स हैं ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे चर्चा की जाएगी, संशोधन की अगर जरूरत पड़ती है तो उसे भी देखा जाएगा, और इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करके इस नए स्वरूप में जो है लागू भी किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया नीलम आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म हो गई है, और जो जानकारी नीलम दे रही थी कि रात में हड़ताल खत्म हुई, उसके बाद अब वापस से चीजें पटरी पर लौटती हुई दिखाई देंगी। आखिर औकात क्या होती है, किसने